कृतिका सेंगर। कृतिका सेंगर को कौन नहीं जानता है, अपने दमखम से टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रखी है, नंबर वन एक्ट्रेस का खिताब भी जीत चुकी हैं। भाई लोगों के दिलों पर राज जो करती हैं। आपको बता दें, इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही थी कि ये वापसी करने वाली हैं, और देखा वो सबने जो वो खबरें आ रही थी वो सच साबित हुई और इन्होंने छोटी सरदारनी में कमबैक किया, लेकिन कैमियो रोल के लिए। सो ऐसे में फैंस इस रोल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें तनुजा के कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। यूँ कहें तो उनको लीड रोल में देखना चाहते हैं, भले ही वो नया शो क्यों ना हो, लेकिन अगर जोड़ी की बात करें तो भाई शरद मल्होत्रा के अपोजिट ही देखना चाहते हैं। बता दें आपको, बीते कुछ टाइम से खबरें आ रही हैं लगातार कि कसम का सीजन 2 आने वाला है। जब से बड़े अच्छे लगते हैं शो का सीजन 2 की खबरें सामने आई हैं, तब से लगातार ऐसी खबरें सामने चल रही हैं कि कसम का सीजन 2 पर एकता कपूर काम कर रही हैं और बहुत ही जल्द ऋषि और तनुजा को लेकर वो सामने आने वाली हैं। सो देखने वाली बात यह है कि फैंस के सवाल लगातार ये जारी हैं कि जिस तरीके से बड़े अच्छे लगते शो में स्टार कास्ट पूरी तरीके से चेंज कर दी, तो क्या कसम सीजन 2 के साथ भी ऐसा ही करेंगी एकता कपूर? अगर ऐसा होता है तो फैंस बिल्कुल भी शो नहीं देखेंगे, क्योंकि लोग ऋषि और तनुजा को वापस चाहते हैं, ना कि इस शो के सीजन 2 को। सो ऐसे में सीजन 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है, खासकर ये कास्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मेन लीड में एक्टर एंड एक्ट्रेस नज़र आई थी वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे में ऋषि और तनुजा को कास्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एकता कपूर के लिए, उनके शो के चलने के लिए, शो की TRP के लिए, वगैरह वगैरह। सो आपको बता दें, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जी हाँ, आपको कृतिका सेंगर और शरद मल्होत्रा एक साथ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई कोई भी मेकर चांस नहीं लेना चाहेगा अपने पॉपुलर शो के साथ। सो आप जानते ही होंगे इस शो की कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत ही लंबे टाइम से डिमांड चल रही है। कितना टाइम हो चुका है शो को ऑफर गए हुए, लेकिन डिमांड आज भी जारी है शो की सीजन 2 की, क्योंकि सीजन 2 इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्रेज में बना हुआ है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सो ऐसे में इस शो का सीजन 2 बहुत ही जल्द आ सकता है। एकता कपूर ने अच्छे टाइम का, सही समय का इंतजार कर रही हैं। वहीं बात करें, कृतिका सेंगर फिलहाल के लिए अपनी फैमिली में बिजी हुए हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो शायद ही इस टाइम पर वो इस शो का प्रोमो शूट शायद कर सकती हैं। 2022 में आपको इस शो को देखने को मिल सकता है। सो अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा भाई, और वहीं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप उसी जोड़ी को देखने के लिए। एक बात तो पक्की है कि ऋषि और तनुजा के कैरेक्टर में आपको शरद मल्होत्रा और कृतिका सेंगर ही नजर आएंगे, क्योंकि कोई मेकर्स ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।